लालकुआ के हल्दीचौड़ में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि से कब्जा न हटाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमियों पर जेसीबी चलाई गई। वहीं दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने दुकानदारों की एक नहीं चली। अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में दुकानों और प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया। आनन फानन में दुकानदार को अपना सामान निकाल कर भागना पड़ा। यहाँ हल्दीचौड़ में नेशनल हाईवे प्राधिकरण मार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि का दुकानदारों व प्रतिष्ठान स्वामियों को पूर्व में ही मुआवजा दे चुका है। मुआवजा देने के बाद हाईवे प्राधिकरण दुकानदारों को दुकान व प्रतिष्ठान खाली करने के लिए 2 बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन दुकानदार हाईवे प्राधिकरण के नोटिस को दरकिनार करते चले आ रहे थे। वही प्राधिकरण ने 15 दिसंबर तक दुकान खाली करने का अंतिम समय दिया था, उसके बावजूद दुकानदारों ने अतिक्रमण खाली नहीं किया। इसी को लेकर आज तहसीलदार नितेश डांगर ने पुलिस बल की मौजूदगी में नेशनल हाईवे पर बनी दुकानों व प्रतिष्ठानों पर जेसीबी चलवा दी। कई दुकानों के सामान को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मौजूदगी के चलते दुकानदारों की जबान नहीं खुली। प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों को आनन फानन में ध्वस्त कर नेशनल हाईवे कब्जे की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर जब मैं मौके पर आया, मुझे सूचना मिली कि एनएच के द्वारा और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब मौके पर आया तो मौके पर देखा कि दुकानें खाली नहीं हो पाई थी, और एनएच के अधिकारियों वो एसडीएम साहब से मैंने वार्ता करके इनको 2 दिन का भी समय दे रखा है, और सभी दुकानदार कह रहे हैं कि हम 2 दिन में अपना अतिक्रमण अपना सामान वगैरह हटा लेंगे और उसके बाद ही अपना एनएच का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो संतुष्ट हैं सभी लोग? हाँ, सभी लोग संतुष्ट हैं। एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि 2 दिन तक आपको परेशान नहीं किया जाएगा, और मैं भी मौके पर हूँ, मैंने भी इनसे कह दिया है कि 2 दिन में आप अपना सामान हटा लीजिए, और सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।